किसान वीरो सत श्री अकाल, मेरा नाम है दर्शन सिंह और आपका फार्मिंग लीडर चैनल पे वेलकम करता हूँ। किसान वीरो, आज की वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज की वीडियो हमारी बिल्कुल जो नस्ल सुधार का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है एआई का, और इसमें एआई वर्कर हमारे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, एक फार्मर को अवेयर करने की हमारी ये छोटी सी मुहिम है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, आपको बहुत अच्छा एक तो प्रैक्टिकली हम बताएंगे कि एआई कैसे की जाती है और इसमें जो बारीकियाँ होती हैं जो किसान को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान कहते हैं कि ये एआई से उनकी भैंसें रहती नहीं है, गाय नहीं रहती, तो उसकी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, उसको प्रॉपर से नहीं करना होता है। तो सभी बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। हमारे साथ स्पेशली हरविलास जी भी हैं और उनके बेटा जी भी हैं, और हम स्पेशली गुरजीत जी के डेयरी फार्म पर आए हुए हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। को सबसे पहला स्टेप होता है जो कि एआई का होता है, वो होता है सीमन को थाइन करना। तो ये हमने इसके लिए स्पेशली एक तो जो गर्म पानी होता है वो ले लिया गया है। और सर इसको बताएंगे ये मीटर क्या है? ये पानी का टेम्परेचर मापने का थर्मामीटर है। जब हम इसको थाइन करेंगे तो 35 से 37 और या 37 से 39 के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करती है एआई। अगर हम सही टेम्परेचर पर इसके अंदर सीमन नहीं डुबोएंगे तो ये थाई नहीं होगा। तो टेम्परेचर का इसमें काफ़ी महत्व होता है। तो सर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, टेम्परेचर इसका सेम ही रहेगा? हाँ सेम रहेगा इसका। और एक और चीज़ बताऊँ, जो भी एआई वर्कर हैं वो हाथ से पानी को टच करके देखते हैं कि गर्म है या ठंडा है। हाथ से कभी भी सही अंदाज़ा नहीं लगता कि टेम्परेचर कितना है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एक गिलास के अंदर ठंडा पानी और एक में गर्म, एक में हम गुनगुना पानी रख सकते हैं, और दोनों उंगलियों को एक उंगली को गर्म पानी में डुबो के और एक उंगली को अपने ठंडे पानी में डुबो के रखेंगे दूसरे हाथ की, और दोनों को इकट्ठा हम गुनगुने पानी में लेके आएंगे। जो ठंडे पानी से निकल कर गुनगुने पानी में आएगी उसको तो गर्म लगेगा, और जो गर्म पानी में से गुनगुने पानी में आएगी उसको ठंडा लगेगा। ऐसे हम बॉडी के साथ टच करके ये नहीं बता सकते कि पानी का टेम्परेचर कितना है। सही तो पैमाना इसका साइंस का ही तरीका है कि हम इसमें थर्मामीटर डाल के चेक करो। तो किसान वीरो, आपके इसके थर्मामीटर की वैल्यू पता लग गई होगी। इस पर दोनों इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बारीक से यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि इसका टेम्परेचर कितना है। इसका सर कितने से कितना होना चाहिए, प्रॉपर सही कितना होता है इसमें? 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए इसका। तो किसान वीरो, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका टेम्परेचर कितना है सर, अब 35 डिग्री है। तो किसान वीर, उसका लगभग 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, और ऐसे आप इससे जो सीमन को निकाला जाता है, तो एक आपको अंदाजे के लिए आप यहाँ पे गैस देख सकते हैं, ये गैस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको नाइट्रोजन गैस कहा जाता है। तो इसको इसको सर क्या कहते हैं जो औजार आपके हाथ में है? ये फोर सेफ है। हमको इसके अंदर सीमन उठाना है, वो हाथ से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है हमारा। अगर हम उठाएंगे तो उसको जो स्पर्म है उनको झटका लगेगा। तो किसान वीरो, आप इस औजार की मदद से आप देखें कि जो भी आपका एआई वर्कर आ रहा है वो कैसे आपका सीमन निकाल रहा है। तो सर मैंने ये भी सुना है जो सीमन टैंक है वो पशुओं के बिल्कुल पास होना चाहिए, तो हमने इसके अंदर इसको ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, क्योंकि इसका फिर टेम्परेचर का फर्क पड़ जाएगा, ज़्यादा ऊंचा नहीं उठाना है इसको। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे हमने बिल्कुल औजार की मदद से सीमन को इसके अंदर रख दिया है जिसका टेम्परेचर 35 डिग्री था। तो इस सीमन को अब ये थाइन होगा इसके अंदर। सर थाइन का महत्व क्या है इस मामले में? ये जो स्पर्म थे हमारे -196 डिग्री में, जिसको देसी भाषा में कहें सो रहे थे, इनको जगाने के लिए हमने टेम्परेचर जो पशु की बॉडी का टेम्परेचर है उसकी बॉडी का टेम्परेचर में लेके आए इसको। तो किसान वीरो, आप देख सकते हैं ये है प्रॉपर तरीका, एक साइंटिफिक तरीका किसी भी सीमन को जिंदा करने के लिए। तो अब इसके जो आगे का प्रोसेस है वो उनके बेटा जी इसका काम करते हैं एआई का, तो वो इसको आगे करेंगे और साथ के साथ हमें हरविलास जी इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो सर आप मुझे बताएं कि जो ये अब हम पानी में से निकालेंगे और कॉटन से इसको साफ करेंगे, पानी में से निकाल कर कॉटन से इसको साफ करेंगे, और फिर जो हमारी एआई गन है उसके अंदर इसको लोड करेंगे। तो किसान वीरो, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको कॉटन की मदद से साफ किया गया था और इसको गन में लोड कर लिया गया है। और इसके बाद सर ये और क्या ये कटर से इसको जो ऊपर का मुंह है इसका सीमन डिस्पोजल करने का, तो उसे कटर से काटेंगे इसको।
हमने ये ध्यान रखना है कटर से एक सार कटना चाहिए, जैसे हम कैंची वगैरह से काटते हैं तो ये गोड़ाई में नहीं कटता, वहाँ पे कई बार सीमन लीक की दिक्कत आ जाती है, वो उसे अपनी जो गन है बैक मार जाता है उसमें कई बार। तो किसान भीरो, इन बारीक बातों का आप देखें कि जो भी आपका एआई वर्कर है वो इतनी बारीकी से ये काम कर रहा है नहीं है, या उसके पास प्रॉपर औजार हैं या नहीं है, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आपको एक सटीक नॉलेज दी जाए, ताकि सर इसका महत्व क्या है सर, ये इन्फेक्शन रोकने के लिए होता है। जो ग्लव्स है, ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हाथों के साथ कुछ भी टच कर सकता है बाहर से, क्योंकि हमारा पशु बीमार ना हो, कोई इन्फेक्शन का शिकार ना हो, इसलिए हम लुब्रिकेटिंग के लिए सरसों का तेल लगाएंगे। तो किसान वीरो, आप यहाँ देख सकते हैं सरसों के तेल का यूज़ किया गया है और ग्लव्स का यूज़ किया गया है और गन को प्रॉपर लोड किया गया है। तो किसान वीरो, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा एनिमल है वो बिल्कुल रेडी है। हाँ, ये अब सीमन डिपॉजिट करने के लिए उसने गोबर वाली जगह से हाथ डाला है इसके गुदा में, और वहाँ से बच्चेदानी को पकड़ेंगे। अगर इसके पेट के अंदर गोबर रहेगा तो गोबर भी बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेट एकदम खाली करना पड़ेगा इसका। सर, बहुत सारे किसान कहते हैं उनके पशु एआई से अर्बित नहीं होते हैं, तो वो क्या क्या बातें होती हैं आप बता सकते? जब हम इसको एआई करते हैं तो हमने इसके साथ यानी मारामारी नहीं करनी, इसका स्वभाव हमने बिल्कुल शांत रखना है। अब जैसे वहाँ पे गोबर टच कर गया इसके कर साफ, तो हमने गन डालने से पहले इसको साफ करना है, कॉटन के साथ साफ करना है। और इसका क्या मतलब है सर, इससे मतलब कीटाणु वगैरह? हमारी गन के साथ अंदर कोई भी कीटाणु वगैरह ना जाए, तो इसलिए हम करते हैं। और किसान अपने हाथों से योनि द्वार को थोड़ा खुला करेगा, ताकि बाहर से कोई भी इन्फेक्शन वगैरह इसके अंदर ना जाए। फिर पहले हम 45 डिग्री के कोण से इसके ऊपर करेंगे, फिर इसको सीधा अंदर डालेंगे, ताकि मूत्राशय के अंदर ना चला जाए। तो पशु को हमने बिल्कुल शांत स्वभाव से, और कहीं भी इसको मान ले ऐसी तकलीफ ना हो कि ताकि पशु डिस्टर्ब हो, क्योंकि सेक्स से जुड़ा मामला है, इसके दिमाग के साथ संबंध है। अगर हम इसको मारामारी करेंगे पशु को, गर्भ ठहरने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। तो सर, आप जो बता रहे थे 90 डिग्री का कोण, उसका क्या महत्व होता है? 45 डिग्री के कोण पर इसके अंदर ले जाते हैं, फिर उसको 90 डिग्री में ले जाते हैं, क्योंकि सामने मूत्राशय है, अगर हम ठीक तरीके से नहीं डालेंगे, ये डिपॉजिट करते हुए सीमन डिपॉजिट कर दिया, आस्ता आस्ता डिपॉजिट करेंगे इसको, ताकि अंदर कोई ऐसी इंजरी ना हो। आस्ता आस्ता गन हम बाहर निकालेंगे, और ऐसे ही हमने अंदर डाली थी। इसके पूरा प्रोसीजर ये इस तरह से है एआई करने का, और कुछ बातें और हैं वो जो बाद में बताऊंगा आपको। एआई करने से पहले हमारे को कई बातें देखनी होती हैं, जैसे पशु आमतौर पर रात को 1 या 1.5 बजे हीट में आता है, पशु का जो मालिक है वो उसको सुबह ही देख पाता है, और वो अंदाज़ा लगाता है कि मेरा पशु अब बोल रहा है, जबकि बोलने के 10-12 घंटे के अंदर उसकी एआई करनी ज़रूरी है। किसान यहाँ पे मार खा जाता है और वो चूक जाता है कि उसकी गाय रात को ही बोली हो सकती है, वो दिन में उसके साथ 10 घंटे जोड़ के वो शाम को एआई करेगा और वो लेट हो जाएगा। इतने में अंदर से अंडाशय से अंडा आके जालेगा, हम उसका स्पर्म बाद में दाखिल कराएंगे, तो गर्भ ना ठहरने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर हम जिस समय हमने सुबह देखा है तो 10 बजे के करीब उसकी एआई करेंगे, तो उसको 10 घंटे हो चुके होंगे और वो सही समय रहेगा। अगर गाय या भैंस की हीट थोड़ी लंबी चलती है तो उसके 18 घंटे बाद हमने दोबारा फिर उसकी एआई करनी है, क्यों हमारा जो सीमन हमने उसके डाला है पशुओं के अंदर जो जोटे या सांड का वीरिया है वो 24 घंटे तक जिंदा रहता है, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट इतना बढ़िया मिलता है वहाँ पर हम ये मान के चलते हैं उसको भी 18 घंटे के अंदर सीमन बूढ़ा हो जाता है, उसके अंदर अंडा तोड़ने की क्षमता नहीं रहती। अगर हीट लंबी चलती है तो 18 घंटे के बाद उसके एक और एआई करो। तो सर, मेरा एक सवाल ये रहेगा, जो नए पशुपालक हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि हीट कैसे दिखती है, क्या होती है, तो आप बता सकते हैं इसके
क्या क्या मोटे मोटे लक्षण होते हैं। आमतौर पे गाय में तो दिख जाता है हीट आना, लेकिन कई बारी भैंस होती है उसकी हीट थोड़ी साइलेंट होती है, तो आप नए पशुपालकों को इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? नए पशुपालकों को मैं यही बताना चाहूँगा, क्योंकि पशुपालक ये कहता है कि मेरे पास भैंस या गाय गबड़ के नहीं बोलती, आज एक्सरसाइज उनकी ख़त्म हो गया, पहले तो खुले मैदान थे, खुले मैदानों में एक्सरसाइज हुआ करती थी उनकी और वो चरने के लिए जाते थे। सांड या झोटा जो गांव का साझा पशु होता था वो उनको हीट के बारे में जानकारी देता था कि भैंस आपकी गबन हो रही है, परंतु आज पशु मुंह से लक्षण नहीं दिखाता तो लेसदार पदार्थ निकालता है, किसान कई बार उसको अनदेखा कर देता है। जब भी वो लेसदार पदार्थ उसको दिखाई दे उसको उसी समय अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि मेरा पशु हीट के अंदर है, उसी समय उसकी 8-7 घंटे के अंदर ही AI कराए। सर जो AI कराने का सही समय है जो आप बता रहे हो 8-10 घंटे के भीतर और एक 18 घंटे के बाद अगर हीट लंबी चले तो आपके इसके बारे में क्या कहना है सर? हाँ, मेरा यही कहना है क्योंकि हीट कई बार लंबी चली जाती है और पशु का ये हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है देख सकें भी अंडा कब आएगा, इसके अंदर हम अंदाज़ा ही लगा के चलते हैं कि 18 घंटे की और गंजाइश बढ़ जाती है 18 घंटे बाद AI कर देते हैं उसकी। पशुपालक है उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर तो आपके दरवाजे के ऊपर कोई भी AI वर्कर आके वहाँ पे AI करता है तो बहुत बढ़िया है, अगर आप कहीं पे नज़दीक पे स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाते हैं उसको, आपने आस्ता आस्ता ले जाना है उसको ताकि उसके बॉडी का टेम्परेचर ना बढ़े, क्योंकि ज़्यादा लंबा सफ़र करने के बाद उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर हम वहाँ पे ले गए हैं उसको 1 घंटा रेस्ट करने दें, आप वहाँ पे बैठ के उसका इंतज़ार करें, उसके बाद उसकी AI करें जब उसका जो बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल आ जाए। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इसके विषय में, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि जो हमारे किसान हैं वो जागरूक हो सकें और उनको AI की प्रॉपर नॉलेज हो सके, वो धोखे में ना जाएं, तो ऐसे ही हमारा नस्ल सुधार हो सकता है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।